राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया है कि भारत में बीजेपी की हुकूमत के दौर में प्रेस आजाद है और न ही कोई ही इदारा बाइख्तियार है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने दावा किया है कि अगर भारत में प्रेस और इदारे आजाद हों तो बीजेपी की हुकूमत खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर इंतजाम आपकी गिरफ्त में हो तो अपोजिशन पर बेबस होने का इल्जाम जायज नहीं है। मकामी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अपोजिशन जमात के रहनुमा राहुल गांधी का कहना था कि अवाम की आवाज को ताकत के जोर पर दबाया जा रहा है और अवामी आवाज को तहफ्फुज देने वाले इंतजामी ढांचे पर बीजेपी का कब्जा है। राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर फ्रांस से खरीदे गए राफेल तैयारों के मुआहदे में मोदी की डील को उठाया। उनका कहना था कि अगर मुझे प्रेस और इदारे आजाद मिले तो राफेल डील के वाज़े सबूत दे सकता हूं, लेकिन फिलहाल बीजेपी सरकार के होते हुए मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं देता।